wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस अपनी प्रॉपर्टी हमारा सपना सबका घर होगा अपना। और दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुके बहुत ही लग्जरियस सुपर एकदम खुले दुला स्पेस के साथ 3 BHK फ्लैट। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों स्पेस देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा खुले स्पेस के साथ फ्लैट होने वाला है। सबसे बड़ी खूबसूरती है कि दोनों तरीके से अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, फर्निश भी और सेमी फर्निश भी। सारी चीजें मैं बताता चलूंगा कि सेमी फर्निश में क्या क्या इंक्लूड रहेगा और फुल फर्निश में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, वो सारी चीजें मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में सारी डिटेल्स बताई गई होती है कि कितने का प्राइस है, कितना लोन होगा, कितने परसेंटेज आपको डाउन पेमेंट करनी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि सर आपने प्राइस नहीं बताया, तो वीडियो में प्राइस बताया होता है। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग एंटर करते तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कि हमें यहाँ पर 750 का गेट मिल जाता है, जो कि प्रॉपर एक लकड़ का इस्तेमाल किया गया, प्लाईवुड का नहीं। और यहाँ पर हमें एंट्री मिल जाती है, एंट्रेंस में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमें मिल जाता है दोस्तों किचन। किचन हमारा मॉड्यूलर होने वाला। सबसे बढ़िया चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि एक अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि बहुत हटके होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दे दिए टफन ग्लास, यानी कि टफन ग्लास दिया गया जो कि साउंडलेस रहेगा, यानी कि बाहर के साउंड अंदर और अंदर के बाहर नहीं जाने वाले। यहाँ पर आरओ प्लस गीजर का प्रोविजन दे दिया गया दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते सेम चीज दी हुई है। साथ में दोस्तों नीचे आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ग्रेनाइट, ऊपर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर देखिए चिमनी का स्पेस दिया गया। और अगर फुल्ली फर्निश में आप लेते हो तो एज इट इज जो जो सामान आपको दिख रहा है वो सब कुछ मिलने वाला है। और सेमी फर्निश में चिमनी नहीं आएगी। सेमी फर्निश में बता दू सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मॉड्यूलर किचन आएगा और कवर्स आएगी और आपकी जो है जो सैनिटरी वगैरह वो आएगी आप में। लेकिन अगर फुल्ली फर्निश लेंगे तो एज इट इज जो जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ मिल जाएगा, 5 लाख उसका एक्स्ट्रा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर कवर करते हैं सबसे। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा यहाँ पर साउंडलेस सिंक आने वाला, यानी कि जो सिंक रहेगा वो साउंडलेस रहेगा आपका। साथ में आप देखेंगे दोस्तों मॉड्यूलर किचन की जो लुकिंग है वो कितनी प्यारी दी गई है, मतलब सारी चीजों का इस्तेमाल, अंदर भी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही प्यारी लुकिंग यहाँ पर दी गई है। सॉफ्ट क्लोजर होने वाले दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हाथ दबने का कोई भी खतरा आपको नहीं होने वाला, सॉफ्ट क्लोजर यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे फ्रिज का आपको एक ऑप्शन दे दिया, फ्रिज आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ में दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दी गई है कवर्स। कवर्स में दोस्तों कुछ भी आपको कोई अपना एक्स्ट्रा सामान रखना है वो आप यहां पर रख सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन दिया गया माइक्रोवेव का, आप देख सकते हैं माइक्रोवेव अपनी आप यहां पर रख सकते हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ साथ एक आपको टेबल दे दी गई है दोस्तों, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा टेबल है, यानी कि आपको कोई एंजॉयमेंट करनी है या खाना अगर आपने यहां पर रखना है तो यहां पर एक ऑप्शन अलग से दे दिया गया। यहां पर आपको देखिए 2 चेयर दे गई तो यहां पर बैठ सकते हैं आप लोग। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि अदर फ्लैट्स में नहीं होता, यहां पर यह दिया गया है। उसके साथ में दोस्तों यहां पर हमारा आता है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की मैं बात करूं सोफे की, अगर आप दोस्तों एल शेप में 7 सीटर भी सोफा आप लगाए या 10 सीटर भी सोफा आप लगाते हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 5 सीटर सोफा है प्लस यहां पर चेयर्स है। अगर दोस्तों यहां से लेकर अगर मैं इस तरीके से सोफा घुमा दूं, 10 सीटर सोफा भी लगा दूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि स्पेस काफी बच जाएगा आपके पास। उसके साथ में ठीक सामने हमारा दोस्तों डाइनिंग टेबल्स आ जाएगा। डाइनिंग टेबल साथ देखेंगे 7 सीटर डाइनिंग टेबल्स भी आप लगाते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, स्पेस की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली क्योंकि स्पेस काफी आपका बच जाता है। 7 सीटर सोफा लगने के बाद भी स्पेस काफी बच जाता है। ऊपर आप देखेंगे दोस्तों फॉल सेलिंग का काम जो कि बेहतरीन तरीके से किया गया, बेहतरीन यूनिक डिजाइन से किया गया। और यहां पर देखिए सारी LED लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो फुल्ली फर्निश अगर आप लेते हो तो एज इट इज आपको मिल जाता है। उसके साथ में दोस्तों यहां पर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहां पर मिरर दिए गए, उसके ठीक साथ में वुडन्स का वर्क करके एक अच्छी लुकिंग, यानी कि एक यूनिक लुकिंग यहां पर हमें दिखाई दे रही है।
चाहिए, तो ये लुकिंग भी अगर फुल्ली फर्निश आप लेंगे तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम को कवर करेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें कवर करेंगे। रूम साइज की बात करूं तो लगभग 10x13 और 10.5x13 के समथिंग रूम साइज हमारे होने वाले, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप जब यहाँ पर विजिट करेंगे सारी चीजें बता दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाता है एक टिफिन ग्लास से बालकनी, यानी कि यहाँ से आप बाहर जा सकते हो, साथ में आपको कार की पार्किंग मिल जाती है। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे रोड आपके बहुत बड़े मिलने वाले, यानी कि पार्किंग की इशू नहीं होगी या ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होने वाला आपको। उसके साथ में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि किंग साइज डबल बेड लगा हुआ, और किंग साइज डबल बेड लगने के बाद भी काफी बड़ा स्पेस आपको बच जाता है दोस्तों। साथ में ऊपर देखेंगे फॉल सेलिंग और डाउन सेलिंग का काम जो है वो कितने अच्छे तरीके से किया गया, लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर देखिए वॉच वगैरह, क्योंकि एक यूनिक एंटिक पीस जिसको मैं बोलूंगा एंटिक पीस यहाँ पर दिया गया। तो फुल्ली फर्निश अगर आप लेते हो तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी, सेमी फर्निश में इंक्लूड नहीं रहेगी, इससे सिर्फ कवर्स इंक्लूड रहेगी दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों उसके ठीक साथ में हमारा आ जाता है एलईडी पैनल। एलईडी पैनल आप देखेंगे दोस्तों जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक कवर किया गया, यहाँ पर नीचे जो कुछ रैक दे दी गई, कुछ भी आपने कुछ सामान एक्स्ट्रा सामान रखना है तो यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, कुछ भी सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके ठीक साथ में दोस्तों हमारी आ जाती है जो कि कवर्स, कवर्स की मैं बात करूं तो आप देखेंगे दोस्तों एक मतलब मिरर के साथ जो है टफन ग्लास के साथ कवर्स दी गई है, जो कि एक यूनिक चीज होती है। अदर्स की मैं बात करूं तो नॉर्मल जो कवर्स वुडन वाली मिल जाती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज मिल रही है आपको। उसके साथ में दोस्तों हमारे ये रहता है अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की मैं बात करूं तो आपको एज इट इज मिलने वाला है, जो आप देख रहे हो एज इट इज मिलने वाला, जगुआर की सैनिटरी होने वाली है दोस्तों, वॉल हैंगिंग सैनिटरी रहेगी, यानी कि नीचे से साफ सफाई करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये जो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट, ये भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। उसके बाद सबसे बड़ी खूबी आप देखेंगे जो टाइल्स है वो ऊपर तक कवर की गई है ताकि नमी की प्रॉब्लम ना आ सके, एंड बीच में एक अच्छी यूनिक डिजाइनिंग डाली गई है जो कि पेंसिल वाली डिजाइनिंग, जो तो आप देखेंगे गोल्ड में, ये एक अच्छी चीज है। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे शावर आ गया, आपको गीजर की प्रोविजन मिल गई, एडजस्ट फैन के लिए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो एक स्पेस यहां पर दे दिया गया है क्योंकि एडजस्ट फैन आप यहां से हो सकते हो, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहां पर ठीक सामने हमारा सेकंड बेडरूम आएगा, लेकिन सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि 3 BHK फ्लैट्स में आपको यहां पर स्टोर रूम भी मिल जाता है, जो कि बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। तो स्टोर रूम का साइज देखेगा तो काफी बड़ा साइज होने वाला है, यानी कि आप चाहे तो इसको पूजा रूम बना सकते हैं, चाहे तो इसको आप स्टोर रूम बना सकते हैं। ये हमारा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। अब हमारा सेकंड बेडरूम आया था दोस्तों, ये हमारा सेकंड बेडरूम कॉन्सेप्ट होने वाला। सेकंड बेडरूम में भी आप देखेंगे तो यहां पर भी टफन ग्लास दिया गया ताकि आप बाहर का नजारा ले सके। उसके ठीक साथ में दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की मैं बात करूं तो दोस्तों आप देखेंगे नीचे भी टाइल्स दी गई है और ऊपर तक भी टाइल्स, यानी कि जितने भी रूम है सभी में अलग अलग कॉन्सेप्ट होने वाला। तो टाइल्स जो है ऊपर तक कवर की गई है, यहां पर विंडो दी गई, प्लस एडजस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया ताकि आपके वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे, वॉल हैंगिंग सैनिटरी रहेगी, प्लस जगुआर कंपनी की सारी सैनिटरी होने वाली है। तो ये हमारा अटैच वॉशरूम है। उसके साथ दोस्तों आप यहां पर देखिए ये हमारा किंग साइज डबल बेड, यानी कि किंग साइज डबल बेड लगने के बाद भी आप स्पेस देखेंगे काफी अच्छा स्पेस हमारा फिर भी बच जाता है। किंग साइज डबल बेड लगने के बाद स्पेस हमारा बच गया। पीछे की लुकिंग आप देखेंगे क्योंकि शानदार लुकिंग, जैसे मैंने बताई थी कि ये जो एक अलग सी यूनिक डिजाइनिंग दी गई है, तो फुल्ली फर्निश अगर आप लेना चाहेंगे तो उसमें ये इंक्लूड रहेगा, और अदरवाइज अगर आप सेमी फर्निश लेना चाहेंगे उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ऊपर हम देखेंगे तो फॉल सेलिंग और डाउन सेलिंग का काम जो कि बेहतरीन तरीके से किया गया, लाइटिंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मिरर दिया गया हमें ड्रेसिंग के रूप में, एंड साथ में दोस्तों हमारा ये आ जाएगा कवर्स। तो कवर्स ये इंक्लूड रहेगा, एज इट इज आपको जिसे दिख रहा वैसे ये इंक्लूड रहेगा इसमें। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहाँ पर आप एलईडी पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक आपको ड्रेसिंग के लिए मिरर दिया गया है, ठीक है। उसके साथ में जो हमारा जो है दोस्तों एक वॉशिंग एरिया है जो कि अगले वाले रूम से हम कवर कर लेंगे। तो हम चलते हैं दोस्तों थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से हमारा थर्ड बेडरूम आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमारा थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए कितने अच्छे तरीके से, यानी किंग साइज डबल बेड लगने के बाद स्पेस आप देखिए लगभग आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, यानी कि फैमिली बड़ी है तो भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाली है। यहां पर दोस्तों हमारा आ जाएगी कवर्स। कवर्स आप देखेंगे पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक कवर किया गया, जो कि आपको एज इट इज मिलने वाली है। कवर्स के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जो कि एक आपको यहां पर मतलब रैक बनाकर दे दी गई है, जो कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रखना चाहते हैं, और ड्रेसिंग भी आपको साथ साथ दी गई है, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। ऊपर हम देखेंगे दोस्तों हमारा फॉल सीलिंग का काम जो कि सभी रूमों में अलग अलग तरीके से किया गया है। ठीक सामने हमारा दोस्तों एलईडी पैनल आ जाएगा, और एलईडी पैनल आप देखेंगे जो कि एक अच्छी यूनिक डिजाइन से किया गया। उसके ठीक साथ में दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा कि एलईडी पैनल के साथ में हमें यहां पर भी रैक दी गई है ताकि कोई भी सामान हमें एक्स्ट्रा रखना है तो काफी स्पेस आपको मिल जाता है। उसके साथ में भी दोस्तों आपको अटैच वॉशरूम आने वाला, यानी कि तीनों बेडरूम के साथ हमारा अटैच वॉशरूम यहां पर भी रहेगा। तो यहां पर भी आप देखेंगे टाइल्स वगैरह जब वो अलग सभी रूम में अलग अलग टाइल्स का इस्तेमाल किया गया, यहां पर अलग टाइल्स का इस्तेमाल किया गया, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना है इसलिए विंडोज वगैरह दी गई, एडजस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है, जगुआर कंपनी की इसमें भी सैनिटरी होने वाली, और एज इट इज ये मिलने वाला है दोस्तों आपको। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहा।
अब उसके ठीक साथ में दोस्तों हमारा आ जाता है जिसको हम बोलेंगे वॉशिंग एरिया बोल सकते हैं यहाँ पर, या इसको आप दोस्तों गार्डनिंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गार्डनिंग के रूप में कन्वर्ट किया गया, और बैक साइड की बात करूं तो बिल्कुल ओपन है, यानी कि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। इसको आप कवर करना चाहे, बंद करना चाहे भी इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। उसके ठीक साथ में दोस्तों हमारा ये था थर्ड बेडरूम था, यानी कि अब मैं दोस्तों बात करूं, मैंने तीनों बेडरूम्स कवर किए इसके और सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सबसे बड़ी चीज कि चंडीगढ़ कुराली हाईवे के बिल्कुल जस्ट पास में, यानी कि सिर्फ 100 मीटर की दूरी या 200 मीटर की दूरी के समथिंग पे आपका ये फ्लैट होने वाला, 3 BHK फ्लैट होने वाला, 135 गज में ये फ्लैट होने वाला, खुले डुले स्पेस के साथ, बड़ी फैमिली है, छोटी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। और आप सिर्फ और सिर्फ 10-15% डाउन पेमेंट देके, बाकी 80-85% आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता, देखिए 80-85% आपका लोन हो जाएगा और 10-15% या 20% डाउन पेमेंट देके आप अपने फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी आपकी EMI बन जाएगी हल्का हल्का, उसको आप पे कर सकते हैं। रोड की मैं बात करूं इंटरनल रोड की, तो काफी बड़ा स्पेस है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। सेकंड चीज बाहर की मैं बात करूं तो दोस्तों जमुना अपार्टमेंट बिल्कुल पास में आ गए, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी कितनी बढ़िया जगह पे, हाईवे बिल्कुल पास में, उसके बाद आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल पास में, CGC से लांड्रा कॉलेज जाना बिल्कुल पास में, मेन मार्केट पास में हो जाएगी, पार्किंग का कोई इशू नहीं होने वाला है, और मतलब सारी खूबसूरती, कॉलेज वगैरह, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ पास में, चीज बहुत बढ़िया शानदार चीज होने वाली है दोस्तों। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप 10-15% डाउन पेमेंट देके आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, बाकी 80-85-90% अगर आप एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है उतना लोन करा के आप आराम से अपने घर में रह सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस हो जाएगा 38,90,000, यानी कि जो सेमी फर्निश्ड फ्लैट का प्राइस है वो 38,90,000 है। पहले इसका 37,90,000 था, लेकिन अभी इंक्रीज होकर 38,90 हो चुका है, 38,90,000 में। लेकिन अगर आप फुल्ली फर्निश लेना चाह रहे हैं तो 5,00,000 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि लगभग 44,00,000 रुपए का, 44,00,000 में फुल्ली फर्निश एज इट इज जैसा वीडियो में दिख रहा सेम मिल जाएगा। और अगर सेम लेना नहीं चाहते तो 38,90,000 में आपके कवर्स आ जाएगी, मॉड्यूलर किचन आ जाएगा, प्लस वॉशरूम का जो काम है सैनिटरी वगैरह वो आ जाएगी। तो दोस्तों मिलेगा अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट्स करो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू।